भगवान तथागत बोध भगवान की जय। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में शेष नमन करते हुए और भगवान तथागत बुद्ध भगवान के चरणों में नतमस्तक करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष आप लोगों की सेवा में तीन भाग तक प्रेषित हो चुका और आप लोगों का स्नेह प्यार और मांग पर चौथे भाग को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषित समाज के लिए अपना जीवन संघर्ष में यहाँ तक कि अपने ना ही परिवार को देखा ना ही अपने दुख को देखा और समाज सुधार करके संविधान की रचना की। प्रबुद्ध इंडिया संगीत समिति यूपी 71 जय भीम रामोतार करुणाकर ग्राम सहेली भरसवा फतेहपुर मोबाइल नंबर 99 84 960 586 और हमारे सहयोग में नाल पे संगत करते हुए हमारे परम हितैषी मित्र कामता प्रसाद बौद्ध ग्राम बादलपुर जिनका मोबाइल नंबर है 800 92 46 512 और हमारे झीका पे संगत करते हुए हमारे परम पूज्य राम भजन निगम सहेली फतेहपुर। तो लीजिए आप लोगों की बेहद मांग पे भाग चार पेश है, बाकी बाबा साहब की हरी इच्छा है। आइए डॉक्टर साहब तारीफ रखिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास जब बाबा साहब जाते हैं तो बड़े ही सम्मान पूर्वक बाबा साहब को स्थान मिलता है। अछूतों के प्रति आप क्या करना चाहते हैं, ऐसा सवाल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। अंबेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में ये तीसरी बार गए थे, तब का दृष्टांत है। जिन अछूतों की मैं रहनुमाई करूं, बाबा साहब ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री जी से अपनी करुण कहानी और शोषितों के उत्थान के लिए क्या कहते हैं। जिन अछूतों की मैं रहनुमाई करूं,
जिंदगी पार उनके अभी हो रहे, करते बंधुआओ मजदूरी बेकार सब। करते बंधुआओ मजदूरी बेकार सब, कुत्ते बिल्ली से बेहतर बसरे हो रही। करते बंधुआओ मजदूरी बेकार सब। बाबा साहब ने कहा ये हमें जो स्वप्न है, स्वप्न भरी बात से संतुष्ट करना चाहते हैं। गांधी जी इसमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि रहनुमाई की तो बात करते हैं दलित समाज की, लेकिन उनकी जिंदगी अभी फार है, बंधुआ मजदूरी से जकड़े हुए हैं, बेकार करते हैं और कुत्ते बिल्ली से बवस्तर जिंदगी काटते हैं। तो ये समानता का प्रतीक नहीं है? आपके भी हुकूमत ये 100 वर्ष से, आपके भी हुकूमत ये 100 वर्ष से, तो दशा उनकी अब भी वही हो रही, तो दशा उनकी अब भी वही हो रही। हाल पुरुषा ना उनका अभी कोई है, हाल पुरुषा ना उनका अभी कोई है। देख लो बच के जो दुर्दशा हो रही, अभी कोई देख लो चल के जो दुर्दशा हो रही। आपके कथनानुसार जैसा कि आपने हमारी समाज को संबोधित किया, हमें संतुष्ट कर दिया, लेकिन जवानी संतुष्टि होती है, मानसिक शारीरिक संतुष्टि अभी नहीं हो रही है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी कहने लगे आपकी विद्वता जग जाहिर है, कौन नहीं जानता कि आप एक विलक्षण प्रतिभाशाली व असर व्यक्ति हैं, प्रतिभाशाली व असर व्यक्ति हैं। यहाँ भी आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, ऐसा संतुष्टि देते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी ने कहा। इस प्रकार जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि हिंदू नेताओं प्रतिनिधियों ने ये समझ लिया कि अब अंबेडकर के साथ लंदन में भी निष्पक्ष इंसाफ होगा, तो गांधी जी बौखला गए और भारत लौटकर पुनः अंबेडकर से अपनी पेशकश की। महात्मा गांधी बाबा साहब को संतुष्ट करने के लिए गांधी जी कहते हैं अंबेडकर साहब से,
बात दो टोके हमको बता दीजिए, तुम चाहते हो क्या तूतों के लिए, तुम चाहते हो क्या तूतों के लिए। मैं तो दे जाने से तो हर धर करते, मैं तो जी जाने से तने धने कर से जुटा हूँ हरिजनों के हितों के लिए, मैं तो जी जाने से तने कर से महात्मा गांधी ने कहा, बाबा साहब मैं तो हरिजनों के कल्याणार्थ हमेशा सोचता हूँ, बात करता हूँ, लाखों रुपया हरिजनों में बटवा दिया, इंतजामात करके सदा के लिए, इंतजामात करके सदा के लिए। कर रहे बात फिर भी लड़क पड़ के तुम, आप लड़कपन जैसी बात करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा सोशल समाज हमसे बिलक रहे, हमारा ही अंश है और एकता में बड़ी ताकत होती है, एकता को बनाए रखना भारत की शान को बनाए रखना है, इस बात को लेकर हम स्वयं चलते हैं। लेकिन लाखों रुपया हर जनों में ये बटवा दिया, इंतजामात करके सदा के लिए, कर रहे बात फिर भी लड़क पड़ के तुम, कर रहे बात फिर भी लड़क पड़ के तुम, करने आते नहीं क्या खुदा के लिए, बात फिर भी लड़क पड़ के तुम। घर में आते नहीं क्या खुदा के लिए, अम्बेडकर साहब उनकी बातों को सुना, बदल में आपकी लग गई, क्योंकि जवाब से कहा कुछ और जाए और किया कुछ और जाए, ये दोहरी राजनीति से बाबा साहब को बड़ी जलन हुई और कहने लगे, बाबा साहब तुम यार कांग्रेस ने किया लाखों का पेट, तुम कांग्रेस ने किया लाखों का पेट, मगर क्या है मिला हबीबों के लिए, मगर क्या है मिला हबीबों के लिए, मुझे का सारा धन तो मुझे लुटे वाले, मुझे का सारा धन लुटवाली, क्यों ना उन्नति हुई गरीबों के लिए, मुझे का सारा धन तुम लुटवाली। Thank you.
का जन बना कर नाम हरि जन दिया। हरि का जन बना कर नाम हरि जन दिया। हर से उनको अलग प्रिय को कर दिया। हर से उनको अलग प्रिय क्या कर दिया। शर्म आए ना तुमको जरा गांधी जी। शर्म आए ना तुमको जरा गांधी जी। बात का ये पतंगड़े बढ़ा चली। आए ना तुमको जरा गांधी जी। बात का ये पतंग बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा आप बेकार की बात करते हैं गांधी जी। आप कहते हैं हमने बहुत सारा पैसा हरिजनों के मध्य बटवा दिया, लेकिन केवल कहने में आता है, वो पैसा हरिजनों तक पहुंचा ही कहाँ है। आवाज भी यही हो रहा है, सरकार मदद करना चाहती है, करती है, और जितना पैसा भेजा जाता है समाज उत्थान के लिए, उसका कहीं बीसवा अंश भी समाज में नहीं आता है। विडम्बना तो इसी बात की है। गांधी जी कहने लगे जान कर भीम अब मत लड़क पर करो। जान कर भीम अब मत लड़क पर करो। बात का ये बतंगड़ खुद बनाओ न तुम। देश की चिंता तुमको अरे जरा भी नहीं। बात दलितों को केवल सुनाओ न तुम। देश की चिंता तुमको जरा भी नहीं। बात दलितों को केवल सुनाओ न तुम। अब ये भाई बिरादर है हिंदू यहाँ। देश की एकता को भुलाओ न तुम। आपसे फूट में कोई लज्जत नहीं। अपनी उंगली पे हमको लगाओ न तुम। आपसे फूट में कोई लज्जत नहीं। अपनी उंगली पे हमको लगाओ न तुम। शब्दों में फिर भी एक आदेश भरा शब्द सुनकर गांधी जी का बाबा साहब एकदम बौखला गए, जलन पैदा हुई और कहने लगे आप ही की तरह दलित इंसान है। आप ही की तरह दलित इंसान है।
उनको भी हक बराबर के सब चाहिए, अरे उनको भी हक बराबर के सब चाहिए। कार कोठी और बंगला में तुम सब रहो, उनको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हिंदू कहे कर भी आदर निरादर करे, हिंदू कहे करे, हिंदू कहे कर बिरादर निरादर करे, अब ऐसी वर्ण व्यवस्था चाहिए। पैदा भारत में जो सब वो है भारती, उनको भी अर्थ की व्यवस्था चाहिए। बाबा साहब ने कहा आखिरकार आप सोफा सेट मखमल गद्दे में और राजमहलों में सोते हैं रहते हैं, आपके लिए फिर भी सुख सुविधा कम है और ये दलित समाज भारत निवासी है, आप उनको ये सब सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं है। जब डॉक्टर अम्बेडकर की इस सिंह गर्जना से गांधी जी सहम गए, मानो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वे दोबारा लंदन जाकर वहां अपनी कूटनीति का जाल बिछाया और वहां के प्रधान मंत्री से कहने लगे, गांधी जी के फिर दुरंगी चाल चलती है वहां पे भी, अरे मैं वो कांग्रेस छूतों की एक आत्मा, बड़े ही दयालु भाव से कहने लगे, मैं वो कांग्रेस छूतों की एक आत्मा, रति भरे मानो इसमें कसर ना कोई, मैं वो कांग्रेस छूतों की आत्मा। रति भरे मानो इसमें कोई ना कसर, मैं कांग्रेस छूतों की एक आत्मा, रति भरी मानो इसमें कोई ना कसर, मैंने ही लोकप्रिय नाम हरिजनी दिया, मैंने ही लोकप्रिय नाम हरिजनी दिया, फिर भी माने नहीं बात अम्बेडकर, मैंने ही लोकप्रिय नाम हरिजनी दिया, फिर भी माने नहीं बात अम्बेडकर, Thank you.
हक निभाने के सब पक्के वादे किए, हक निभाने के सब पक्के वादे किए, फिर भी लाए न मन में जरा भी सबर, फिर मिलाए न मन में जरा भी सबर, बाकी जैसा भी हो अब हुकुम आपका, बाकी जैसा भी हो अब हुकुम आपका, जाके भारत में देंगे निपट पथ पर, बाकी जैसा भी हो अब हुकुम आपका, जाके भारत में लेंगे निपट पथ पर। गांधी जी ने कहा पहले तो बड़े ही सरल भाव से उन्होंने कहा, लेकिन एक बात कहकर उन्होंने फिर जहर पैदा कर दिया। उस जहर भरे शब्दों को अंबेडकर साहब ने सुनकर खून खौल उठा और बाबा साहब कहने लगे, आप यहाँ तो उनके हुक्म की बात करते हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, लेकिन बाद में सब लगा दिया कि हम भारत में जाकर अब जैसा होगा वैसा भी पट लेंगे, और ये भी पटना ही शब्द बाबा साहब के लिए एक बहुत ही कठोर शब्द बन जाता है। बाबा साहब कहते क्या, ना गवारा लगे ये पवारा मुझे, ना गवारा लगे, ये पवारा मुझे दबदबा बनावट यार बकवास का, दबदबा ये बनावट यार बकवास का, 100 में 90 है भारत के शोषित दलित, उनको भी चाहिए रोटी कपड़ा मकान, जिनके पशुओं से बदतर रही जी जिंदगी, जिंदगी जिनके पशुओं से बदतर रही, जन्मना उनका धरती पे किस काम का, जन्मना उनका धरती पे किस काम का, तुम सलामत रहो लेके अपना धर्म, ऐसा हिंदू धर्म हमें नहीं चाहिए, अपना धर्म लेके तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो लेके अपना धर्म, ऐसा अधर्म धर्म मेरे किसी काम का, सलामत रहो लेके अपना धर्म। तुम सलामत रहो लेके अपना धर्म, ऐसा अधर्म धर्म मेरे किसी काम का,
बाबा साहब ने कहा ऐसे धर्म की मुझे जरूरत नहीं, जिस धर्म में मानवता न हो, समाज में समानता का अधिकार न हो, ऐसा धर्म लेके हम क्या करेंगे, ये धर्म अपने तक काबू रखो। अम्बेडकर की स्पष्ट नीति से गांधी बौखला गए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि दलितों का पृथक निर्वाचन अलग हो गया तो अस्पृश्यता का कलंक सदा के लिए मिट जाएगा। इस बात का विरोध गांधी ने आजीवन अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी किया। एक बार निकोलस बेवर्ली ने बाबा साहेब से पूछा कि गांधी जी के प्रति आपके क्या विचार हैं? तो बाबा साहब ने कहा बाबा साहब ने स्पष्ट कह दिया, मैंने यादपुर सभी विद्याएं पढ़ी, मैंने यादपि मैंने यद्यपि सभी विद्याएं पढ़ी, शूद्र फिर भी मैं हूँ कहता हिंदू धर्म, फिर भी मैं हूँ कहलाता ये हिंदू धर्म, है मिटा नहीं फिर भी मेरा शूद्रपन, हासितम हासितम अनर्क हिंदू धर्म। आखिरकार मैंने सभी विद्याएं पढ़ी और फिर भी शूद्र में ही गिनती की जा रही है, अभी मेरा शूद्रपन नहीं मिटा है, अब इससे बड़ा दुख का विषय क्या हो सकता है। बाबा साहब के ऐसे वचनों को सुनकर निकोलस बेवर्ली ने के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, वास्तव में आपके साथ बड़ी ही बेवफाई बरती जाती है, जो कि बड़ा ही दुखद विषय है। सुख ना हो भारत के बाबा बता, टुकड़े ना हो टुकड़े ना हो भारत के बाबा, तुमने भी तय ये कर लिया, सारे अछूत समाज को है मुल्क पर अर्पण तुमने अर्पण किया। सारे समाज को है मुल्क पर तुमने अर्पण किया। अरे हमरा ही बन के दलितों के बाबा ने देखो क्या किया, हमरा ही बन के दलितों के गांधी ने क्या किया। हमरा ही बन के दलितों के गांधी ने क्या किया,
हमारा ही बनी के दलितों के गांधी ने क्या किया करुणा कर देवते अतूट करुणा कर देवते अतूट पर चला खंजर किया करुणा देवते अतूटों पर चला खंजर किया करुणा कर देवते अतूटों पर करुणा कर बेबस सूतों पर चला खंजर दिया करुणा कर बेबस अछूतों पर चला खंजर दिया हमारा ही बन के दलितों के हमारा ही बन के दलितों के गांधी ने क्या किया हमारा ही बन के दलितों के ये तरह जब गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड की स्पष्ट नीति को ठुकरा दिया तो अपनी फरियाद पुनः विलायत के प्रधानमंत्री से जाकर कही। अछूतों का पृथक निर्वाचन समूचे भारत की व्यवस्था को भंग कर देगा, इसे अविलंब अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए वरना मैं अपना जीवन दान दे दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं गांधी जी। इस तरह विलायत में महात्मा गांधी से ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर मेज जेम कंट्रोल बोलते हैं, कहते हैं, देखो यहीं पर महात्मा गांधी की दुरंगी चाल का पर्दाफाश होता है। सर रैम जेम कुडोनाल्ड, डू यू नॉट नो दैट दिस गवर्नमेंट्री डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन कीपिंग देयर जस्टिफाइड राइट्स which is quite untransferable, it can be changed not only by one particular representative of caste, what if all the representative of each caste and religions would have minimal compromise otherwise not at all। क्या आपको पता नहीं कि ये सरकारी फैसला विभिन्न जातियों के न्यायपूर्ण अधिकारों को ध्यान में रखकर किया गया है जो बिल्कुल अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई एक मजहब के अनुयायी नहीं है बल्कि प्रत्येक धर्म के अनुयायी व प्रतिनिधि यदि परस्पर समझौता कर ले तभी बदला जा सकता है अन्यथा नहीं बदला जा सकता। गांधी ने जब ये सुना कि बाबा साहब अपना अछूतिस्तान बंटवारे की बात करते हैं तो सोच लिया कि यदि ऐसा होता है तब तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा और वो मरण अनशन में बैठ जाते हैं। इस प्रकार जब गांधी जी की कोई
दाल नहीं गली तो एक ऐसा कपटमयी जाल फैलाया जिसमें हिंदू धर्म के संभ्रांत परिवारों की पढ़ी लिखी तमाम महिलाएं एक सहगान करते हुए अंबेडकर से गांधी के जीवन दान की भीख मांगती हैं, ताकि अंबेडकर दलितों की सही रहनुमाई ना कर सके। और बाबा साहब के पास महिलाएं जाती हैं और महात्मा गांधी के जीवन दान की भीख आचल पसार की मांगती हैं। यहाँ तक कि भीमाबाई और उनकी पत्नी ने भी इसमें भाग लिया। अरे बाबा दे दे हमें एक दान, अरे बाबा दे दे हमें एक दान जोर करे बिनती करो, बाबा दे दे हमें एक दान जोर करे बिनती करो। विनती करो बाबा विनती करो, विनती करो बाबा विनती करो, बाबा दे दे हमें एक दान जोड़े कर विनती करो। दीनन पति तुम दया के सागर, दीनन पति तुम दया के सागर, जे ज्ञातो भी दया के आगर, जे ज्ञातो भी दया के आगर। दीनन पति तुम दया के सागरे, जे ज्ञातो भी दया के आगरे, सकल गुणों के तुम खान, सकल गुणों के तुम खान, देवो एक दान गोर करे विनती करो, सकल गुणों के ये खान, देवो एक दान गोर करे विनती करो। विनती करो बाबा विनती करो, विनती करो बाबा विनती करो, बाबा दे दे हमें एक दान जोर करे विनती करो, बाबा दे दे हमें एक दान जोर करे विनती करो। दिलवाए अति बारे बराबर, आप सभी महिलाएं आंसू बहा के बाबा साहब के सामने कहने लगे, दिलवाएंगे अति बारे बराबर, ऊंच नीच के हाल पाते कर। हम वादा करती हैं कि हमें हम तुम्हें बराबर का अधिकार दिलाएंगी, लेकिन ये वचन अपना वापस कर लो।
दिन वाले अधिकार बराबर ऊंच नीच के आई पाटे कर तेरे वाये अधिकार बराबर ऊंच नीच की खाई पाट कर अरे बना दिया संविधान अरे बना दिया संविधान देवो एक दान दो करे विनती करो अरे बना दिया संविधान देवो एक दान दो करे विनती करो विनती करूं मैं बाबा विनती करूं विनती करूं मैं बाबा विनती करूं बाबा दे दे हमें एक दान जोड़ करे विनती करूं बाबा दे दे हमें एक दान जोड़ करे विनती करूं कोल में गलम तनी में आकर कोल में गलम तनी में जाकर अंग्रेजों से लड़े वो बराबर अंग्रेजों से लड़े बराबर गोल में लंदन में जा करे अंग्रेजों से लड़े बराबर लोहा गए सब ये मान लोहा गए सब ये मान दे वो एक दान जोड़ करे विनती करो लोहा गए है सब ये मान दे वो एक दान जोड़ करे विनती करो विनती करूं मैं बाबा विनती करूं विनती करूं मैं बाबा विनती करूं बाबा दे दे हमें एक दान जोड़ करे विनती करूं बाबा दे दे हमें एक दान जोड़ करे विनती करूं दस्त कर दो खून पैसे पर दस्त कर दो खून पैसे पर आप सभी महिलाएं के आंखों में आंसू है यहां तक कि उनकी पत्नी और माता जी भी आकर को पसारे खड़ी है बाबा साहब के सामने और गांधी जी के जीवन दान की भी मांगती है बाबा साहब को दया आ जाती है और सभी महिलाएं कहती हैं हम बाबा साहब आपसे महात्मा गांधी के जीवन दान की भिक्षा चाहती है वो हमारे आंचल में डाल दो कहती है कि पूरा पैसे पर दस्तक कर दो तब तो गांधी जी अनशन को तोड़ेंगे वरना अनशन को नहीं तोड़ेंगे
दर से कते करी दो ना पैसे पर रहम करो बाे दस कत करी तो पूर्ण पैसे परे दस कत करी तो पूर्ण पैसे परे रहन करो बापू के ऊपर करुणा कर दो ये दान करुणा कर दो ये दान यही परदानी तोरे करी विनती करो करुणा कर दे दो दान यही परदानी तोरे करी विनती करो विनती करूं मैं बाबा विनती करूं विनती करूं मैं बाबा विनती करूं बाबा दे हमें ये दान जोड़े करे विनती करूं बाबा दे हमें एक दान जोड़े करे विनती करूं बाबा दे हमें एक दान जोड़े करे विनती करूं। ऐसे शब्दों को सुनकर बाबा साहब का दिल पिघल गया और पूना पैत्र पे दस्तखत कर देते हैं। इस प्रकार जब अम्बेडकर समझ गए कि बिना समझौता किए ही कुछ नहीं होगा, यानी बिना समझौता के गांधी की बिना समझौता के गांधी की अमरण अनशन हमारे लिए हमारे समाज के लिए एक अमिट कलंक बन जाएगा। पूरा पैक्ट पर दस्तखत करके अम्बेडकर ने सिद्ध कर दिया कि स्वयं को परिवार के प्रति, परिवार को नाव के प्रति, नाव को समाज के प्रति, समाज को संपूर्ण राष्ट्र के लिए तथा राष्ट्र को समूची मानवता के प्रति अर्पण करने में मानवता का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसा सुनकर फौरन ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्ति विशेष जाति व समुदाय के मसीहा नहीं थे, बल्कि वो समूची मानवता के सच्चे उपासक थे। इससे बढ़कर और क्या राष्ट्र प्रेम होगा कि जिसने अपने समाज को संपूर्ण देश के लिए न्यौछावर कर दिया हो। ऐसे महान पुरुष बाबा साहब को मैं बारंबार नमन करता हूँ। यदि डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैत्र पर दस्तखत नहीं करते तो सर्तियां भारत के तीन टुकड़े हो जाते, पाकिस्तान, अछूतिस्तान व हिंदुस्तान। इसलिए सभी लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हुए बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। इसके बाद से राम गोपालचारी कहने लगे, इसके बाद भी राम गोपालचारी कहने लगे कि आज से अछूतों को सारे हक बराबरी के मिला करेंगे, मगर आपसे एक अपील है कि आप अपनी पृथक निर्वाचन की जिद छोड़ दें। तब राजा जी मुन्ने जी ने कहा कि बाबा साहब
अगर आप अपनी पृथक निर्वाचन की जिद छोड़ दें तो मैं आपको अपनी सारी रियासत मुंह मांगी दान दे दूंगा। इसी बीच में मौका पाकर पूर्णह मालवी जी बोल उठे, कहा आज से अछूतों के लिए मेरा इलाहाबाद स्थित मंदिर खुला रहेगा, बशर्ते कि आप अपनी अलग अछूतिस्तान की मांग को छोड़ दें। ऐसा सभी लोग प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा साहब, मैं किसी नेता से चाहे वो सवर्ण हिंदू हो चाहे अछूत हो कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं चाहता, चाहे उसमें गांधी जी की ही व्यक्तिगत अनुमति क्यों ना हो। फिर मालवी जी से रहा न गया, वे बोले अखिल भारतीय हिंदू महासभा आज दिनांक 25 सितंबर 1932 को एक आम प्रस्ताव पास करती है कि हिंदू धर्म व हिंदू जाति में किसी को जन्म से अछूत नहीं माना जाएगा। गांधी जी भी अपने मृदुल भाषा में कह रहे हैं, मैंने हर जनों की भलाई के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन सेवक संघ, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग जैसे तमाम बहुमुखी रास्ते अपनाए हैं, जिन पर चलकर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अम्बेडकर साहब कहने लगे, गांधी जी क्या ऐसा करने से अछूतों की आर्थिक संपन्नता कायम रहेगी और क्या केवल मंदिर प्रवेश हो? मंदिर प्रवेश ही सब कुछ है। यदि हाँ तो जब कोई भी अछूत हक मांगेंगे नहीं, वे जबरन छीन लेंगे। यदि आप अपनी तरफ से ये नहीं बात सोचते हैं तो हम वादा इस बात का करते हैं कि हक जबरिया लेने का दावा करते हैं। गांधी जी ने कहा, ऐसा ना कहो अम्बेडकर, धीरे धीरे सारे हक अब आपको मिलते रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अम्बेडकर साहब ने कहा, क्या मंदिर प्रवेश अछूतों का प्रथम चरण है? यदि हाँ तो अंतिम ध्येय क्या है? और यदि अंतिम ध्येय है तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। गांधी जी फिर बौखला गए और कहने लगे, अंबेडकर तुम हमारी आजादी के मौके पर बेकार में बाधक बनते हो। तुम अपने पृथक निर्वाचन की बात करके हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को भंग करते हो। और कहने लगे, ये वर्ण व्यवस्था ना के है धर्म की, सारे हिंदू धर्म ने सराहा इसे। ये वर्ण व्यवस्था ना के है धर्म की, सारे हिंदू धर्म ने सराहा बहुत। पंचशील अरे हिंसा परम धर्म है, चाउन लाई नेहरू ने चाहा बहुत। था बड़ा भारी बलपाठी पूजा में तब, था बड़ा भारी बलि, था
बल पाठ पूजा में तब त्याग बैराग का तम तमा था बहुत। शिलाएं तर गई मंत्र उच्चार से यज्ञ जप योग का दबो दबा था बहुत। उस समय पूजा पाठ जब तक का बहुत ही दबदबा चल रहा था, अम्बेडकर साहब कहने लगे के जब विदेशों ने हमला किया देश पर, जब विदेशों ने हमला किया देश पर, पाठ पूजा का बल से बचाया न क्यों। योग से यज्ञ से त्याग बैराग से पंडिताई का जौहर दिखाया न क्यों। बोल बैठे थे बिल्कुल या कुछ याद थी, उस समय क्या समझ में आई नहीं। तुमने संबंध माना गजनबी से ये क्या, ब्रह्म की फांस उस पर जलाई नहीं। बाबा साहब कहने लगे यदि तुम्हारे पूजा पाठ और यज्ञ जप तप में ये बल था तो विदेशियों ने आक्रमण किया तब तुम्हारी ये सब कहां गई थी। उस समय यदि ऐसा कर देते तो विदेशी राज यहां नहीं कायम होता। ये आप लोगों की सेवा में भाग चार प्रेषित किया गया प्रबुद्ध इंडिया संगीत समिति UP 71 जय भीम रामोतार करवाकर ग्राम सहेली पोस्ट भरसवा जिला फतेहपुर। और आप लोगों से अनुरोध है कि इसको पढ़कर सुनकर और देखकर जो भी गलतियां हो मुझ तक अवगत कराने की कृपा करें ताकि भविष्य में और सुधार कर सकूं। जय भीम जय भारत।